गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू अ पिक्चर कंपोजिशन. ओके, नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन अ पिक्चर ऑफ माउंटेन ट्रीज. इट इज़ अ सीनरी, है ना. तो वी हैव टू डू द कंपोजिशन ऑफ इट. Means we have to write minimum 5 lines on this picture. First, before starting our writing work, we have to see this picture very carefully. Okay? So, my dear student, you can see here are mountains. And mountains are covered with snow. There is snow, hai na? Snow hai mountain mein. And trees. And trees, all trees are conical, conical shape में है सारे trees. ये fir के tree होते हैं ऐसे ना, fir और pine के. और एक house भी है ना. There is a house also, and a river is also there. और एक road भी जा रही है, कच्चा रास्ता. दिख रहा है आप सबको ना. तो we have to write lines on it. Okay? तो I made the composition of this here. This is the composition. Okay, it is a picture of a hill station. तो I ये एक हिली एरिया दिखा रखा है, तो we can see it hill station हम इसे कह सकते हैं. तो it is a picture of a hill station. Your first line is it is a picture of a hill station. Mountains are covered with snow. अभी आपको मैंने दिखाया था जो mountains थे वो उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी ना, तो उसको हमें लिखना है माउंटेन्स. अब ये माउंटेन्स हैं, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ वी विल यूज़ आर. माउंटेन्स आर कवर्ड, ढके हुए हैं विथ स्नो, बर्फ से. ठीक है. देयर आर मैनी ट्रीज, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं. अ हाउस इज ऑल्सो देयर, और वहाँ पर एक घर भी है. अ ब्यूटिफुल रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग, और एक सुंदर नहर नदी भी बह रही है. इसके अलावा यू कैन राइट ऑल ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, एंड यू कैन राइट द नेम ऑफ द ट्रीज ऑल्सो, कि देयर आर मैनी फर एंड पाइन ट्रीज. दिस लाइन यू कैन ऐड. ओके, एंड अ हाउस इज ऑल्सो देयर. इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ 5 लाइन ऑन दिस पिक्चर. इस पिक्चर पे ये 5 लाइन्स दिए हैं. And you can make more and more lines also. A path is also going there. है ना, एक रास्ता भी मैंने आपको दिखाया था. तो रास्ते को क्या कहते हैं, पाथ. आपने इन माई लिटरेचर लेसन ही इज़ माई ब्रदर, उसमें था ना ये वर्ड पाथ. तो वी कैन यूज़ दैट वर्ड ऑल्सो. अ पाथ इज़ गोइंग थ्रू द ग्राउंड, ग्राउंड से होता हुआ एक रास्ता जा रहा है ना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, पिक्चर कंपोजिशन. एंड आई मेड अ वन मोर कंपोजिशन ऑन अ एक और पिक्चर पे मैंने आपको एक कंपोजिशन दी है. दैट इज आई शो दैट पिक्चर. हियर this picture, this picture you can see. First and all, before our start our writing, we have to observe the picture. हमें picture को क्या करना होता है, observe करना होता है कि ये picture है किस चीज़ की. Then we will start the writing. Understand? First we have to observe the picture. Now you can see so many people are sitting here, people and children also here. They all are eating, है ना. Everybody is having something in front of there. उन सब के आगे कुछ ना कुछ है उनकी टेबल में. सब टेबल और चेयर में बैठे हैं. अलग अलग टेबल है, अलग अलग चेयर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल हैं यहाँ पर, डाइनिंग टेबल्स. टेबल और चेयर्स हैं, और बच्चे हैं, और बच्चों के संग देखो, here are two girls ना, and both girls are with मदर, मम्मी के साथ हैं. हेयर
मदर एंड फादर बोथ आर हियर, हियर इज मदर एंड हियर मदर एंड फादर, हियर ऑल्सो मदर एंड फादर एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हियर। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब ये खाना कहाँ पे खाएंगे, कैसा दिख रहा है ये सीन, हाउ इज़ इट लुकिंग। ये लग रहा है ना एक कैफ़े की तरह, तो ये कैफ़े ही हैं और सब जने खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं देखो, दिस पिक्चर इन हियर, दिस गर्ल इज़ ईटिंग आइसक्रीम, दिस गर्ल इज़ ऑल्सो हैविंग आइसक्रीम कप, और इस लड़की के पास भी एक आइसक्रीम कप है, एंड दिस गर्ल ऑल्सो हैज़ अ आइसक्रीम कप। ये सब आइसक्रीम खा रहे हैं, हियर ऑल्सो आइसक्रीम, है ना। तो हमें और जो ये हमने देखा, ये जो कैफ़े है इट इज़ नीट एंड क्लीन, नो बिट्स ऑफ पेपर और अदर थिंग्स आर नॉट हियर। देखो यहाँ कुछ नहीं है, कागज़ के टुकड़े नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लियर क्लियर है, क्लीन है। और ये जो मिरर है इन लोग का, ग्लास लगा हुआ है इसमें, ये भी एकदम क्लियर है, ये भी, ये इसका डोर है ना। और जो वॉल है, वॉल इज़ पिंक इन कलर, वॉट इज़ द कलर ऑफ द वॉल, पिंक। तो हाउ वी विल राइट इट, आई विल टेल यू। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द, हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये कहाँ का है, देन वी स्टार्ट राइटिंग। ओके, उसको हमें सोचना है और फिर उसके बाद हमें उसे लिखना है। आई रिटन फ्यू लाइन्स ऑन दिस पिक्चर, हेयर आर इट इज़, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कैफेटेरिया। कैफेटेरिया मीन्स रेस्टोरेंट, जो हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है बोलने की, वो रेस्टोरेंट भी कहते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं ना, बट आई यूज़ दिस वर्ड कैफेटेरिया बिकॉज ऑफ यू, ताकि आपको कोई नया वर्ड पता चले। ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैफेटेरिया, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन कैफे। अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारे बच्चे हैं पिक्चर में, है ना, बहुत सारे बच्चे, तो देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन कैफे। थर्ड लाइन, सम पीपल आर ईटिंग सैंडविचेज एंड सम पीपल आर ईटिंग सैंडविचेज, एज यू कैन सी इन द दिस पिक्चर, दिस इज दे आर ईटिंग सैंडविच हियर हियर, है ना। तो दे आर ईटिंग सैंडविचेज, जैसे ये आदमी के पास देखो, ये स्क्वायर शेप में रखा हुआ है ना, स्क्वायर क्या होती है, सैंडविच होती है, तो मतलब वो सैंडविच खा रहे हैं। तो सम पीपल आर ईटिंग सैंडविचेज, और कुछ लोग कुछ और खा रहे हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करके लिख सकते हो। यू कैन राइट दैट एंड गर्ल्स, अभी आई शो यू द गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम, तो सो आई रिटन इट हेयर, गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम, लड़कियाँ आइसक्रीम खा रही हैं। देयर इज नॉट एनी पर्सन हु इज नॉट ईटिंग एनी थिंग, अब वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ खा रहा हो, है कोई ऐसा कि जो कुछ भी ना खा रहा हो, चुपचाप से बैठा हो। देखो नो वन इज हियर ना, सब जने खा रहे हैं ना, तो सो आई रिटर्न हियर, देयर इज नॉट एनी पर्सन हु इज नॉट ईटिंग एनी थिंग, कुछ ना खा रहा हो ऐसा कोई नहीं है। द कैफेटेरिया इज वेरी नीट एंड क्लीन, आई टोल्ड यू वो जो कैफेटेरिया है वो नीट एंड क्लीन है, एंड द जो चिल्ड्रन है दे ऑल आर लुकिंग वेरी हैप्पी ना इन द पिक्चर। तो आई रिटर्न दिस लाइन, द चिल्ड्रन आर इन्जॉइंग वेरी मच, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं विद देयर पेरेंट, और पेरेंट भी उनके साथ है। आई शो यू देयर मदर एंड फादर एंड सम चिल्ड्रन हैज मदर ओनली, तो दे आर इन्जॉइंग विद देयर पेरेंट, ये लाइन है ठीक है। द वॉल्स आर पिंक, यू कैन राइट द वॉल्स ऑफ कैफेटेरिया आर पिंक, एंड वन देयर इज़ अ वॉल मेड ऑफ वेरी बिग ग्लास, एक दीवार बहुत बड़े कांच की बनी हुई है ना, दिस वन, दिस वॉल, ये भी तो दीवार है, होती है ना रेस्टोरेंट में दीवार, तो ये वो है, ये जो दीवार है किसकी बनी हुई है, कांच की। अ वॉल इज मेड ऑफ अ वेरी बिग या वेरी लार्ज ग्लास, वन डोर इज ऑल्सो देयर, वहाँ पर एक डोर भी है। ओके अंडरस्टैंड, तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, एंड माई ऑल सेंटेंसेस आर
इन प्रेजेंट टेंस. दिस इज अवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आईएनजी लगा रखा है मैंने. इट मीन्स ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं. एंड आई गेव यू वन होमवर्क ऑल्सो. मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है विच यू हैव टू डू एंड यू हैव टू सबमिट द वर्क ऑल्सो. आपको फिर वो वर्क भी सबमिट करना है. योर होमवर्क, द पिक्चर ऑफ योर होमवर्क इज हियर. दिस वन इज योर होमवर्क पिक्चर. ये आपकी होमवर्क की पिक्चर है. नाउ ऑब्जर्व दिस, इसे ऑब्जर्व करो. बलून्स लगे ना, बलून्स और ये कॉनिकल केप कैप. दीज चिल्ड्रन आर वेयरिंग कॉनिकल कैप. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दे आर सेलिब्रेटिंग समबडी बर्थडे. ये किसी ना किसी का बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और बर्थडे सेलिब्रेट में इन्होंने डेकोरेशन करी है बलून से एंड विद रिबन. ओके, एंड थ्री चिल्ड्रन आर वेयरिंग बर्थडे कैप एंड शी इज मदर एंड ही इज फादर एंड शी इज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. स्वीट्स आर हेयर ऑल्सो. कोल्ड ड्रिंक इज ऑल्सो हेयर एंड ग्लासेज आर हेयर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड वन केक इज ऑल्सो हेयर ऑन द टेबल एंड वन डॉग. दिस डॉग इज ऑल्सो हेयर. देखो डॉग भी है यहाँ पर. और बच्चे सब क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं ना. इट मीन्स दे आर इंजॉइंग या फिर दे ऑल आर लुकिंग वेरी हैप्पी. दे आर लाफिंग. एवरी वन इज लाफिंग. मदर इज लाफिंग, फादर इज लाफिंग, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ऑल्सो. एंड बोथ मदर एंड ग्रैंड मदर इज वेयरिंग रेड साड़ी एंड दीज चिल्ड्रन आर गिविंग बर्थडे गिफ्ट टू द बर्थडे बॉय. गिफ्ट भी एन एन के हाथों में. तो इस पर आप यू कैन राइट मिनिमम 10 लाइन्स. इफ यू कैन डू, इफ यू कैन राइट 10 लाइन्स इट्स वेरी गुड. इफ यू कैन नॉट तो राइट डाउन मोर देन 5 लाइन्स. मतलब 5 लाइन्स से ज़्यादा इसमें आप लाइन्स बना सकते हैं इस पिक्चर कंपोजिशन में. और सबको प्रेजेंट टेंस में बनाना या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाना. ओके, प्रेजेंट टेंस तो आई एक्सप्लेन यू एंड कंटिन्यूस टेंस इन योर वर्कशीट आई एक्सप्लेन. तो यूज दैट टेंसेज एंड मेक मिनिमम 8 लाइन्स, नॉट ओनली 5 लाइन्स. तो आप इस पर 8 लाइन्स लिखो या 10 लिखो. और भी ज़्यादा लोगों लिखोगे तो गुड, वेरी गुड. अगर नहीं लिख पाओगे तो मिनिमम यू हैव टू राइट 8 लाइन्स. 8 लाइन्स तो कम से कम आपको लिखनी है. ठीक है, मोर देन 5 लाइन्स लिखा है ना मैंने होमवर्क में. तो मतलब 8 लाइन्स तो आप लिखो. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अ पिक्चर कंपोजिशन. सो डू दिस वर्क एंड अपलोड दिस वर्क इन योर होमवर्क पोर्टल. होमवर्क पोर्टल में से करो. एंड माय डियर स्टूडेंट, मोर एंड मोर स्टूडेंट हैव टू ज्वाइन द जूम क्लासेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू इंग्लिश जूम क्लास इन अ वीक. एक हफ्ते में 2 इंग्लिश की आपकी जूम क्लास होगी. एंड इन दैट जूम क्लास आई विल रिवाइज ऑल द वर्क. मैं सारा वर्क आपको रिवाइज कराऊंगी, लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ. तो स्टूडेंट, वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू. आवर स्कूल एंड टीचर, ऑल टीचर्स आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू एंड यू शुड हार्ड वर्क. आपको भी हमारे साथ हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके, नाउ थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर.